नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं रुपया हूँ, मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। मैं हूँ राजू। दीदी, मैंने सुना है कि सरकार देश भर में बांस के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे मेरे बांस के व्यवसाय को क्या क्या फायदा मिल सकता है? राजू, बांस उद्योग से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में सही और सच्ची जानकारी हासिल कर तुम्हारा व्यवसाय खूब तरक्की कर सकता है। आज मैं तुम्हें राष्ट्रीय बैम्बू मिशन और प्रादेशिक सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में बताती हूँ। अच्छा दीदी। देखो, हमारे यहाँ बांस के उत्पादन और व्यवसाय से जुड़े लोग उचित जानकारी और प्रशिक्षण की कमी के कारण बांस से समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए सरकार नेशनल बैम्बू मिशन योजना के तहत बांस उद्योग या व्यवसाय से जुड़े लोगों को सही प्रशिक्षण दे रही है, जिससे वो तरक्की कर सकें। तो मुझे ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी दीदी, और इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? राजू, रायपुर का छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड कॉलेज और अगरतला का त्रिपुरा बैम्बू मिशन, बंगलुरु स्थित RSETI यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल एकेडमी ऑफ रुटसेती यानी रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने संस्थान में व देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाएं आयोजित कर ट्रेनिंग देती रहती है। प्रशिक्षण में अच्छे किस्म के बांस की रोपाई से लेकर उसकी सिंचाई, रखरखाव और फिर बांस से विभिन्न उत्पाद बनाकर किस तरह से मुनाफा कमाया जाए, इन तमाम बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या तुम जानते हो कि आजकल बांस से किन चीजों का निर्माण हो रहा है? अपने यहाँ तो टोकरी और सजावट का सामान ही बनता है, इसके अलावा भी कुछ बनता है क्या? हाँ राजू, बांस से कागज, फर्नीचर, आभूषण, घरों के निर्माण कार्य, उसके फर्श, साज सज्जा के सामान जैसी कई चीजों का निर्माण होता है। अरे वाह, बांस के इतने सारे उपयोग! बिल्कुल, सरकार द्वारा संपूर्ण देश में एक मिशन के तहत बांस को एक उद्योग की तरह विकसित किया जा रहा है। वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग के हिसाब से बांस का रोपण किया जा रहा है। बांस उद्योग के प्रारंभ से अंतिम चरण तक यानी बांस उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक संपूर्ण वैल्यू चेन का विस्तार किया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से उद्यमियों तथा किसानों की सृजन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। बांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना से बांस के किसान, स्थानीय दस्तकारों और बांस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों को लाभ मिल रहा है। पौध रोपण के अंतर्गत लगभग 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है। क्या इसके लिए मुझे सरकार से आर्थिक मदद भी मिलेगी? बिल्कुल राजू, केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ से बांस की खेती से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बांस के लिए नई नर्सरी लगाने के लिए सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। 2 हेक्टेयर जमीन पर हाईटेक नर्सरी स्थापित करने पर, जिसका अनुमानित खर्चा लगभग 40 लाख प्रति यूनिट आएगा, इसमें सरकार की तरफ से लागत का 40% दिया जाएगा। वहीं छोटी नर्सरी का अनुमानित खर्च लगभग 10 लाख है, जिस पर सरकार 50% की मदद दे रही है। इसके अलावा बांस के उत्पादन के लिए कई अन्य तरह की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। किसानों और बांस से जुड़े दस्तकारों को सरकार प्रशिक्षण भी दे रही है और पैसे भी। अगर कोई बांस पर आधारित सेमिनार व अन्य आयोजन करता है तो उसे भी सरकार आर्थिक मदद देती है। बांस से बने हैंडीक्राफ्ट व अन्य सामान की मार्केटिंग में भी सरकार मदद करेगी। बांस के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए गांवों के नजदीक वाले शहर में इनोवेटिव प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। हर एक क्षेत्र के सुविधा और अवसर का अध्ययन कर उस क्षेत्र में बांस को बढ़ावा देने की अलग नीति बनाई जाएगी। अच्छा, तो दीदी, इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना होगा?
राजू, तुम अपने नजदीकी बैम्बू मिशन के ऑफिस या फिर इसके वेबसाइट से पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला उद्योग केंद्र यानी DIC और राज्य बांस मिशन के स्थानीय अधिकारी से तुम्हें प्रशिक्षण की जानकारी मिल सकती है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी संस्था के तकरीबन 400 से अधिक स्कीम हैं, जो लोगों को स्वरोजगार अपनाने में मदद कर रही हैं। इनमें से 4 से 5 योजना तो सिर्फ बांस से जुड़े व्यवसाय के लिए हैं। फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर्स यानी FMC ने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इससे संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी को एक जगह ई प्लेटफॉर्म यानी www.clusterobservatory.in पर उपलब्ध करवाया है। इस वेबसाइट पर स्वरोजगार संबंधी जानकारी मंत्रालय, संस्थान एवं उद्योग के अनुसार श्रेणीबद्ध की गई है। जैसे वेबसाइट के MSME स्कीम सेक्शन में जाने पर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आज आपने। बिल्कुल, और साथ में इस सब योजनाओं के बारे में सभी लोगों को भी बताओ।